नमस्कार दोस्तों, मैं नरेन फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आप भी आपका खुद का एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप 10 मिनट या उससे भी कम समय में काफ़ी बढ़िया और फ्री में अपनी एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको गूगल करना है, गूगल में एपीपाई करके आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद ये फर्स्ट आपका ऐप जो लिंक मिलेगा आपको, ऐप बिल्डर, यहाँ पे आप देख सकते हैं appipy.com, इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद इस टाइप का इसका होम पेज आएगा, यहाँ से आप क्रिएट योर फ्री ऐप कर सकते हैं और जो ऐप आप क्रिएट करेंगे वो ऑल प्लेटफॉर्म से वर्क करेगा, लाइक एप्पल, एंड्रॉयड, ब्लैकबेरी, विंडोज, इन सब पे ये काम करेगा। और अगर आपको इजी इंटरफेस चाहिए, सपोज जैसे आप फॉर क्रिएट ऐप फॉर योर चर्च के लिए करना चाहते हैं या ऑनलाइन रेडियो स्टेशन के लिए, तो यहाँ पे इनका एक रेडीमेड कंप्लीट फॉर्मेट है, उसमें आप आपका डाटा फिल कीजिए और इजी कॉन्फ़िगरेशन है इन्होंने करके रखा है, उससे आप इजीली बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर योर रेस्टोरेंट, तो यहाँ पे रेडी फॉर्मेट्स हैं, आपका डाटा फिल कीजिए और यहाँ पे बन जाएगी। अदरवाइज आपको यहाँ पे जाना है क्रिएट योर फ्री ऐप, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप पे आपको लॉगिन मांगेगा, मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है तो ये डायरेक्ट यहाँ पे वेलकम में मेरा नाम आ गया है। अदरवाइज उससे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद इस टाइप का आपका एक पेज ओपन होगा, तो इसमें आपको आपके ऐप का नाम लिखना है। तो फॉर एग्जांपल हम लोग एक डेमो के लिए ऐप बनाते हैं, तो यहाँ पे एक डेमो कर देते हैं। देन उसके बाद आपको कैटेगरीज चूज़ करनी है, तो ऑलमोस्ट सभी कैटेगरीज यहाँ पे आपको दिख जाएंगी, बिजनेस इंफॉर्मेशन और रेस्टोरेंट, इंश्योरेंस, एवरीथिंग यहाँ पे कवर्ड है। तो अभी हम लोग इसको बिजनेस पे क्लिक करके रखते हैं। देन उसके बाद यहाँ से ऊपर ले लेते हैं और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वो आपका जो भी आप कॉन्फ़िगर करेंगे, जिस टाइप का भी आप फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे वो वहाँ पे आपका डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे अभी एप्पल के लिए कर रहा है, यहाँ पे आप एंड्रॉयड के लिए करना चाहते हैं हम एंड्रॉयड में स्मार्टफोन्स के लिए कर सकते हैं। तो जिस भी प्लेटफॉर्म के लिए आप बना रहे हैं उसको आप सिलेक्ट करके आपका प्रीव्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बिजनेस सिलेक्ट करा, डेमो नेम दिया, देन उसके बाद नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप आपका फेसबुक का आईडी को लिंक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं, उसका URL यहाँ पे टाइप कीजिए तो आपका फेसबुक पेज यहाँ पे शो करेगा। अदरवाइज आप इजीली इसको स्किप कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर आपका कोई बिजनेस है, कोई शॉप है या फिर आप कोई वेबसाइट को इसके साथ लिंक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इजीली लिंक कर सकते हैं, वो वेबसाइट का URL यहाँ पे टाइप कीजिए, देन उसके बाद नेक्स्ट कीजिए। अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको लेआउट चूज़ करना है, तो जो भी लेआउट आप चाहते हैं वो लेआउट आप जहाँ से चूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, सपोज अगर मैं ये लेता हूँ या फिर ये लेता हूँ, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको जो आपकी एप्लीकेशन, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको जो पसंद आया वो लेआउट यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे लेआउट्स हैं। तो अभी सपोज मैंने ये लेआउट चूज़ किया, उसके बाद देन अगेन नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट पेज हैं, जो डिफ़ॉल्टली आपके ऐप में ये शो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अबाउट अस, डायरेक्ट्री। तो अगर आपको ये पेज रखने हैं तो ठीक है, नहीं रखना है तो इसमें से अगर कोई पेज निकालना है तो इस पर क्लिक कीजिए। देन यहाँ पे डिलीट, आप ये पेज डिलीट कर देंगे तो यहाँ से ये पेज डिलीट हो जाएगा। और अगर आपको कोई पेज ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक कीजिए। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डाउन ले लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे आपको काफ़ी ऑप्शन मिलेंगे, सजेस्टेड में, स्टोर, फूड, ऑर्डर्स, ये आ रहे हैं। उसके बाद सोशल में जाएंगे तो सोशल में जाके आपको यहाँ पे शेयर, गूगल, लिंकेड, फेसबुक, ये सब ऑप्शन मिलेंगे। मल्टीमीडिया में जाएंगे तो आपको ये सोशल नेटवर्किंग, फोटोज़, फेसबुक, वेबसाइट, ये आ जाएंगे। आपके कॉन्टैक्ट्स में जाएंगे तो आपके कॉन्टैक्ट्स, वेबसाइट, मैप, ये आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कॉमर्स में जाएंगे तो आप कूपन्स, ऑर्डर, फूड, स्टॉर्स, ऑलमोस्ट सभी सभी कुछ यहाँ पे मिलेगा आपको। काफ़ी ऑप्शंस हैं, इन्होंने बहुत अच्छा डिज़ाइन किया है और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, तो आप इजीली आपकी ऐप को जैसा आप डिज़ाइन करना चाहते हैं ऑलमोस्ट वैसा आप बहुत आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ से ब्लॉग ले लेता हूँ, ब्लॉग को मैंने क्लिक किया,
तो ये आप देख सकते हैं ब्लॉग का पेज ऐड हो गया है। उसके बाद जो भी पेज आपने ऐड किया है यहाँ पे आप उस पेज का नाम डाल सकते हैं अगर कुछ डालना है तो। आपको यहाँ पे लिंक करना है वर्डप्रेस के साथ, ट्विटर के साथ, तो आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं उसको। देन ये स्टाइल वगैरह अगर आपको कुछ सिलेक्ट करना है तो आप पेज का स्टाइल लेआउट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कस्टमाइज अगर आपको यहाँ पे और कस्टमाइज करना है तो और भी ऑप्शंस हैं यहाँ पे, आप कलर चूज़ कर सकते हैं, आपका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं और ये बहुत अच्छा है। और अगर आपको और भी डिज़ाइन चाहिए और कस्टमाइज़ करना है तो यहाँ पे डिज़ाइन कस्टमाइज में जाइए। यहाँ पे जाने के बाद आप आपका यहाँ पे ऐप का आइकॉन जो आपको चाहिए ऐप का आइकॉन सिलेक्ट कर सकते हैं। देन नीचे में अगर आप देखेंगे यहाँ पे नेम कैटेगरीज, उसके बाद ऐप का अगर बैकग्राउंड आपको रखना है तो बैकग्राउंड आप कोई भी रख सकते हैं, यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं। उसके बाद आपको नीचे में ये यहाँ पे आपको इस ये यहाँ का लेआउट चेंज करना है तो इस टाइप से आप लेआउट चेंज कर सकते हैं। आपके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आपको जो भी लेआउट पसंद आता है वो लेआउट यहाँ से रख सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आपका ये फिनिश ब्लॉग पेज रिक्वायर्ड एटलीस्ट वन इनपुट। ओके, तो आपका ये ब्लॉग पेज अगर आप ले रहे हैं तो यहाँ पे वन इनपुट आपको कुछ ऐड करना होगा। तो मैं अभी क्या करता हूँ, ब्लॉग पेज को डिलीट कर देता हूँ। देन मैंने ये डिलीट कर दिया। देन उसके बाद सेव एंड फिनिश। सेव करने के बाद इस टाइप का आपको पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स दिखा रहा है, बेसिक, गोल्ड, प्लेटिनियम। तो दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने ऐप बनाया है, तो आप फ्री वाले प्लान में जाइए। फ्री वाले प्लान में क्या है कि यहाँ पे ऐड शो करेंगे, इस वेबसाइट के कुछ ऐड्स रहते हैं वो आपकी एप्लीकेशन पर शो करेंगे। और अगर आप ये प्लान्स में जाते हैं जिसमें आप चार्ज करते हैं, यहाँ पे पहला बेसिक प्लान है $15 पर मंथ का, यहाँ पे कोई एड्स नहीं आएगा। और यहाँ पे दिखा रहा है कि आप कौन से प्लेटफॉर्म पे आपकी ऐप को पब्लिश कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से जो भी आपको लगता है, अगर आप फ्यूचर में आपका बिजनेस है या फिर आपका जो भी है इनकम सोर्स ज़्यादा है, आप मोनेटाइजेशन करना चाहते हैं, आपकी ऐप पे एड्स लाना चाहते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं, तो आप आपके अकॉर्डिंग जो भी प्लान है वो चूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जाते हैं फ्री प्लान में, यहाँ पे चूज़ कीजिए आप। इस टाइप का ये पेज ओपन होगा, यहाँ पे आप आपके फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं और यहाँ पे कुछ अर्निंग है, तो अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पे शेयर करके कुछ अर्न कर सकते हैं डॉलर्स में। तो मैं इसको भी कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल करने वाली ये थैंक यू बोल रहा है, थैंक यू। देन उसके बाद कंटिन्यू टू माय ऐप। उसके बाद आप देख सकते हैं ये आपका डैशबोर्ड आ गया है। यहाँ पे आप आपकी ऐप को एडिट कर सकते हैं, काफ़ी सारी होस्टिंग है, काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, मोनेटाइज कर सकते हैं, यहाँ पे पूरा आप व्यू कर सकते हैं उसका। तो अभी यहाँ पे आपको टेस्ट करना है, ये मैंने ऑलरेडी दो ऐप पहले बनाई थी, अभी हमने जो बनाई है वो डेमो है, ये डेमो ऐप हमारी थी, तो मैं इसको टेस्ट ऐप करता हूँ। तो टेस्ट ऐप करने के बाद ये बोल रहा है कि इट टेक्स मैक्सिमम 2 hours बिफोर योर ऐप विल बी अवेलेबल फॉर डाउनलोड। तो ये आपका पूरा पैकेज, एक कंप्लीट पैकेज है, उसको कंप्लीट होने के लिए ये मिनिमम मैक्सिमम 2 hours का टाइम लेने वाला है, तो आपको इतना टाइम वेट करना होगा, उसके बाद आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये एक ऐप है जो मैंने थोड़ी देर पहले बनाई थी, तो इसको हम लोग टेस्ट ऐप करते हैं। सेम आपको उसको करना है जो भी ऐप आप बनाते हैं, तो अभी मैं इसका टेस्ट ऐप करता हूँ। इस टाइप का विंडो आपका ओपन होगा, तो यहाँ इस कोड को आपको स्कैन कर लेना है या फिर आपको क्लिक टू डाउनलोड। तो आप अगर क्लिक टू डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे आप किस प्लेटफॉर्म के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं, एप्पल के लिए या फिर एंड्रॉयड के लिए। तो अगर मैं एंड्रॉयड में डाउनलोड क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे ऐप डाउनलोड होना चालू हो गया है। ये 19.6 MB का ऐप है, तो अभी मैं इसको यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ।
और अगर मेरे को अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है तो उसको बैक जाना है। बैक जाने के बाद इस कोड को, इस QR कोड को मेरे को स्कैन करना है। तो इसके लिए आप आपके मोबाइल से इसको स्कैन कर लीजिए। दोस्तों इसके बाद आपको स्कैनर आपके मोबाइल में स्कैनर करके रहेगा, उससे आपको स्कैन कर लेना है। तो मैंने अभी स्कैनर ओपन किया है, देन उसके बाद ये कोड जो दिख रहा है उस कोड को आपको स्कैन कर लेना है। ये देखिए, इसके बाद ये बोल रहा है कंटिन्यू टू वेबसाइट, तो आपको ओके करना है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पे बोल रहा है लॉन्च, आपको यहाँ पर लॉन्च करना है। और अगर कुछ और परमिशन मांगता है तो उसको आपको ओके कर देना है। यहाँ पे आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, डाउनलोड। ये देखिए यहाँ पे डाउनलोडिंग चालू हो गया, 3 मिनट का यहाँ पे दिखा रहा है टाइम, 3 मिनट या 2 मिनट में चालू हो जाएगा। दोस्तों ऐप डाउनलोड होने के बाद आपको उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद उसका कुछ इस तरह का आइकॉन दिखेगा। अगर आपने ऐप बनाते टाइम आपका आइकॉन डाला है तो वहाँ पे वो आपका आइकॉन आएगा, अदरवाइज इस तरह का आपका आइकॉन दिखेगा। तो आपको इसको क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद ये एपीपाई का एक लोगो दिख रहा है आपको, क्योंकि हमारे बेसिक प्लान था इसलिए इस टाइप का लोगो आ रहा है। अगर आपका कोई पेड प्लान रहेगा, आपने पैसा पे किया है, तो आपका जो भी होम पेज रहेगा उस टाइप का आएगा। उसके बाद इस पे एड्स आते रहते हैं, तो आपको पहले ये एड्स को क्लोज कर देना है यहाँ से। उसके बाद जो भी डिज़ाइन आपने किया था आपके ऐप का, आपके एप्लीकेशन का, वो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जो आपने स्ट्रक्चर सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे शो करेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे ऑफर्स अपडेट का एक डाला था, तो हॉट डील्स में अगर मैंने कुछ डाला था तो यहाँ पे वो दिखेगा। तो यहाँ से इस तरह से आप जितना कुछ डाटा यहाँ पे डालना चाहते हैं आपके एप्लीकेशन में, वो आप इजीली डाल सकते हैं और ऐसे आपका ऐप बना सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए।